इससे पहले हम देख चुके थे बॉयल्स लो, गैस लो, उसमें सेकंड जो लो है वो चार्ल्स लो। ठीक है, तो लॉस में मैंने बताया था प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में वो क्या बताता है, रिलेशन बताता है, कीपिंग थर्ड वन एज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ गैस। तो सेकेंड जो लॉ है वो हमें क्या बता रहा है, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर कोई हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, यानी इसमें नंबर ऑफ मोल्स अगर फिक्स कर दिए, और कांस्टेंट प्रेशर, इस बार हमने पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में से क्या कांस्टेंट करा, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो उस केस में जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन बोल सकते हैं हम, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी होता है। ठीक है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हम टेम्परेचर ऑलवेज, ठीक है, किसमें लेंगे, केल्विन में लेंगे। तो वॉल्यूम जो होता है वो किसके, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस के। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे अगर मैं हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के उनकी क्या काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी फ्रीडमनेस और रैंडमनेस बढ़ेगी और वो वॉल्यूम को क्या और एक्सपांड कर देंगे यानी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूँ तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस या मोल ऑफ गैस बोल सकता हूँ। इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाने के लिए फिर से मैंने क्या लगाया है, प्रोपोर्शनलिटी, सॉरी, इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगाया के। अब बोले सर बॉयल्स लो में भी के लगा दे, यहाँ भी के लगा दे, सब जगह के ही होता है, कुछ भी लिख लो। ठीक है, इन जनरल हम कॉन्स्टेंट को के लिख देते, सी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो कोई भी लिख देना दूसरा वेरिएबल। ठीक है, के की जगह एक्स वाई जेड कुछ भी लिख लेना, कॉमन लिखते हैं इसलिए हम यहाँ पे के लिए। ये के क्या वो सेम के नहीं, वो कोई कांस्टेंट था, कांस्टेंट, फोर भी कांस्टेंट है, फाइव भी कांस्टेंट है, टेन भी कांस्टेंट है, फिफ्टी भी कांस्टेंट है, वन लैक भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट टर्म है यानी। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यानी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लगा दिया, के को इधर रखा, टी को इसके नीचे ट्रांसफर करा तो क्या होगा, वी बाई टी इज इक्वल्स टू के। मतलब ये जो रेशियो है वी अपॉन टी का, जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। अगर जैसे लास्ट, ठीक है, बॉयल्स लॉ में हमने बात करा था, ठीक है, जैसे हमने बॉयल्स लॉ में बात करा था उसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि v बाई टी का जो रेशियो है, ठीक है, v बाई टी का जो रेशियो वो हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जो हमने बॉयल्स लॉ के अंदर क्या बात करा था कि जो बॉयल्स लॉ का रिलेशन है, बॉयल्स लॉ के रिलेशन में हमने क्या बोला था, एक वेरिएबल कांस्टेंट होता है वो क्या, टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने बोला था वहाँ पर क्या, पी इंटू वी, ठीक है, पी वी, P इंटू वी का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ P इंटू वी इस कांस्टेंट होता है, उसी तरीके से यहाँ V इंटू टी का, ठीक है, रेशियो है वो कांस्टेंट होगा यानी। तो कहीं प्रोडक्ट हो सकता है, कहीं डिवीजन हो सकता है, रेशियो हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे वहाँ हमने P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 लिखा था, वैसे ही हम क्या लिखेंगे, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। तो वही लिखा मैंने, V1 अपॉन T1, मतलब वॉल्यूम, जैसे अगर मान लो ये मेरे पास सिलेंडर है, यहाँ पर अब इसका V1 वॉल्यूम है, T1 टेम्परेचर, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो T2 टेम्परेचर वो V2 वॉल्यूम हो जाएगा इस तरीके से। तो ये रेशियो जो है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट कब रहेगा, अगर ये 5 है ये 10 है तो रेशियो क्या आ रहा है, 1/2। तो अगर ये 5 और 10 है तो रेशियो आ रहा है 1/2। ठीक है, तो अगर ये 10 हो गया और ये 20 हो गया तो भी क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। मतलब वॉल्यूम से 5 से कितना हो गया, 10 हो गया, और ये टेम्परेचर 10 से कितना हो गया, 20 हो गया। दोनों बढ़ गए, मतलब वॉल्यूम बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ा और टेम्परेचर भी बढ़ा, लेकिन रेशियो उनका क्या रहना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सिंपल सी चीज़। बॉयल्स लॉ में हमने बात करा था जो के था वो के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो भी किस पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, हमने बताया था वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट डिपेंड अपॉन प्रेशर। बॉयल्स लॉ में किस पे डिपेंड कर रहा था, टेम्परेचर पे। ठीक है, तो सेम के नहीं है, लिखने में हम के लिख देते, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे। वहाँ किस पे डिपेंड कर रहा था, बॉयल्स लॉ के अंदर, टेम्परेचर पे, और कैसे, डायरेक्टली। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा, यहाँ पर अब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो के कम हो जाएगा, या उल्टा बोल दूँ, अगर प्रेशर कम होगा तो के बढ़ जाएगा यानी। ठीक है, तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, फिर इसी पे हम कुछ ग्राफ देखेंगे जिस तरीके से हमने बॉयल्स लॉ में देखे थे। ठीक है, इसको एक बार कॉपी कर ले।
फिर हेडिंग डाले ग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हालांकि इसमें मैं उतने ग्राफ नहीं बनवा रहा हूँ जितने मैंने बॉयल्स लॉ में पढ़ाए थे, जैसे वहाँ मैंने जितने ग्राफ बनवाए थे, ठीक है, अगर वो समझ में आ रहे तो वो किसी भी लॉ पे बेस्ड हो, ठीक है, बॉयल्स लॉ पे, चार्ल्स लॉ पे, गे लुसेक्स लॉ पे, ठीक है, किसी पे भी बेस्ड हो आप फिर कोई सा भी ग्राफ बना सकते हो अगर वहाँ पर तुम्हें समझ में आ गए तो। यह लिख ले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, फर्स्ट जो ग्राफ बना रहा हूं मैं, फर्स्ट जो ग्राफ बना रहा हूं वो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है, वी बाई टी के बीच में, वी और टी के बीच में बता रहा हूँ, ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में हम कर्व बना रहे हैं। देखो हमने पढ़ा है जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब अगर वी बढ़ रहा है तो टी भी बढ़ना चाहिए। तो किस तरीके से ग्राफ आएगा, ये वॉल्यूम बढ़ने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है, तो वी बढ़ने से टी भी बढ़ना चाहिए, तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, यानी, ठीक है। और इसको और सिंपल वे में अगर मैं इसे लिख दूं, अगर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट मैंने लगा दिया के इंटू टी, तो इसको लाइन की जो इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ C कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, जीरो, मतलब कोई इंटरसेप्ट नहीं, इंटरसेप्ट नहीं मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हो आप। तो ये मैंने एक तरीके से क्या करा, इसको सिंपली लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर दिया। यहाँ पे जो इसका स्लोप है, ठीक है, जो स्लोप है यहाँ पे, वो स्लोप किसके बराबर होगा, वाई की जगह वी आ गया, टी की जगह क्या आ गया, एक्स आ गया, तो स्लोप जो एम है तो स्लोप की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, के आ जाएगा, यानी, ठीक है। तो ये इसका स्लोप हो गया, नहीं, ये हुआ सबसे बेसिक सा सिंपल सा कर्व वी वर्सेस टी के बीच में, ठीक है, इसको ड्रॉ कर ले। नेक्स्ट कर्व इसी से रिलेटेड, ठीक है, नेक्स्ट कर्व इसी से रिलेटेड कैसे, अगर मैं कह रहा हूँ वी और टी के बीच में, अब ये जो स्लोप के है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना, इसी में मैं सेकेंड कर्व बना रहा हूँ एडिट करके। अब मैंने क्या करा, वी वर्सेस टी के अंदर जैसे मैंने बॉयल्स लॉ में बनाया था, नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड कर्व में इस तरीके से, ठीक है, तीनों जो लाइन है कहाँ से, ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, और तीनों लाइन में मैंने इसको नाम दे दिया P1, इसको नाम दे दिया P2, इसको नाम दे दिया P3, ठीक है। वहाँ पे बॉयल्स लॉ में मैंने बताया था कि जब प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, वहाँ मैंने बोला था टेम्परेचर कांस्टेंट, उस कर्व के हर एक पॉइंट पे क्या टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो यहाँ पे आप किस केस में क्या प्रेशर कांस्टेंट है, तो अब इस कर्व के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो ये एक पर्टिकुलर प्रेशर पे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का क्या कर्व है, ये दूसरे कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम है, यहाँ पे भी हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम है, तो यहाँ हर एक पॉइंट पे प्रेशर में नाम दिया P3, तो यहाँ हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा P3, या हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा P2, या हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा P1, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो P1, P2 और P3 इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है, P1, P2, P3 इनमें क्या रिलेशन है, ये हमें बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें बॉयल्स लॉ में भी करा था ग्राफिकल, तो यहाँ पर हमें पता है जो स्लोप है, ठीक है, वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के को, और जो के है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के, ठीक है। अब मैं देखो यहां से देखना, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बॉयल्स लॉ में, ये स्लोप धीरे 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 क्या है, बढ़ रहा है, नहीं,
तो सबसे ज़्यादा स्लोप होगा इस पी वन का, फिर उसके बाद स्लोप पी टू का, उसके बाद स्लोप पी थ्री का। लेकिन यहाँ मुझे स्लोप के जो स्लोप है और उसके बीच में प्रेशर के बीच में इन्वर्स रिलेशन मिल रहा है मुझे। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर स्लोप सबसे ज़्यादा है तो प्रेशर वहाँ क्या होगा, सबसे कम होगा। तो स्लोप सबसे ज़्यादा कहाँ है, इसके अंदर है, तो इसका प्रेशर क्या होगा, सबसे कम। इसका उल्टा, अगर स्लोप सबसे कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, इन्वर्सली है तो सबसे ज़्यादा। तो स्लोप सबसे कम कौन सा है, ये वाला स्लोप सबसे कम है तो प्रेशर इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर मैं रिलेशन पूछता हूँ पी वन पी टू और पी थ्री के अंदर, ठीक है, पी वन पी टू और पी थ्री में अगर रिलेशन पूछूँ मैं, तो पी थ्री का स्लोप सबसे कम है, यहाँ से दिख रहा है क्या, सॉरी, पी थ्री का स्लोप सबसे कम है तो प्रेशर क्या होगा, सबसे, स्लोप कम तो प्रेशर ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पी वन से ग्रेटर होगा पी टू और पी टू से ग्रेटर होगा क्या, पी थ्री। तो इस तरीके से हम तीनों के बीच में रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो ये है सेकंड कर्व, इसको कॉपी कर ले। थर्ड कर्व की अगर हम बात करें, ठीक है, थर्ड कर्व की अगर हम बात करें तो एक बार इसको कॉपी कर लेना। थर्ड कर्व हम बना रहे हैं अब, ठीक है। ऐसा कर्व बॉयज लोग के लिए मैंने बनाया था, लॉग वाले कर्व, ठीक है। तो अब की बार जो कर्व बना रहा हूँ इसमें, ठीक है, कोशिश करना वीडियो को पॉज करके और इस ग्राफ को ड्रॉ करने की। ग्राफ किसके बीच में मैं चाह रहा हूँ बनाना, लॉग ऑफ वी वर्सेस लॉग ऑफ टी के बीच में, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ वॉल्यूम और लॉगरिथम ऑफ टेम्परेचर के बीच में कर्व ड्रॉ करना है। तो वीडियो को पॉज करें, इस कर्व को हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है, कर्व को ड्रॉ करना है। तो लास्ट बॉयल्स लॉ में मैंने बताया था किस तरीके से करते, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करके, तो इसका कर्व ड्रॉ करके बताएं आप, ठीक है। तो देखिए कैसे चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता है, चार्ल्स लॉ हमें कहता है V इज इक्वल्स टू K इंटू टी, V इज वॉल्यूम, K इज कॉन्स्टेंट, T इज टेम्परेचर। अगर मैं क्या करूँ, दोनों साइड लॉग ले लूँ, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ V इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ K इंटू टी, फिर लॉग ऑफ V है, इसको इक्वल कर रहा हूँ मैं, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, लॉग m इंटू एन, ठीक है, लॉग m इंटू एन को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m प्लस एम, लॉग k प्लस लॉग t, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करिए, लॉग m इंटू एन को क्या लिखेंगे हम, लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कर्व किसके बीच में ड्रॉ करना है, लॉग v और लॉग t, ठीक है, log v और log t के बीच में कर्व करना ड्रॉ करना है। तो बस मैंने इसको रीअरेंज कर लिया, log v को एज इट इज़ लिखा, log t को पहले लिख रहा हूँ और उसके बाद log k को लिख रहा हूँ। इसको मैं फिर से कंपेयर कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से मैंने कंपेयर करा। तो यहाँ y की जगह तो क्या आएगा, log v जो हमें दिख रहा है, किसके बीच में, x की जगह क्या आएगा, log t जो यहाँ दिख रहा है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो मैं क्या मान लूँ, वन, तो m जो स्लोप होगा वो उसका क्या होगा, वन, ठीक है, स्लोप कि जो हमारा m है वो है वन, और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन, और टेन थीटा वन कब होता है, जब थीटा कितना हो जाए, 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप भी मुझे पता लग गया, एंगल कितने 45 डिग्री होगा, सी, सी का एक इंटरसेप्ट है। अब लॉग की वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो होती नहीं है, मतलब के की वैल्यू कुछ ना कुछ क्या होगी, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वैल्यू होगी मतलब यहाँ जीरो है, तो इससे ऊपर कुछ इंटरसेप्ट कहीं ना कहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा और जीरो पे नहीं आएगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। लॉग की प्रॉपर्टी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव नहीं है तो ये के की वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगी, ठीक है, कॉन्स्टेंट है तो जीरो तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट है, पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, वो इसके ऊपर ही मिलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया यहाँ है लॉग के की वैल्यू, तो इस लॉग के की वैल्यू यहाँ है,
तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मुझे स्ट्रेट लाइन की मतलब इंटरसेप्ट, ये यहाँ से इंटरसेप्ट करेगी लाइन की इक्वेशन, ठीक है, इस तरीके से पीछे टच करेगा और आगे ये बढ़ेगी, और इसका जो स्लोप, जो इसका एंगल होगा, वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो ये इस तरीके से, ये 45 डिग्री पे, ठीक है। तो ये लॉग वी, या मैं बोल सकता हूँ लॉग वी वर्सेस लॉग टी के बीच में कर्व है, और इसका जो यहाँ पे स्लोप है लाइन का, ठीक है, जो स्लोप है वो कितना है, 1 है, यानी ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, स्लोप इज इक्वल्स टू के इक्वल्स टू एम, या फिर 1 लिख दो, यानी क्लियर है। तो ये इस तरीके से बेसिक 3 ग्राफ हमने ड्रॉ करे। यानी फिर आ जाओ नेक्स्ट, एक रिलेशन है वॉल्यूम का, अगर हमें किसी भी टी टेम्परेचर पे, डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, जनरली मैंने बोला टेम्परेचर को हम, ठीक है, जनरली हम टेम्परेचर को हम किसके अंदर, केल्विन के अंदर ही आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी भी टी डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे, किसी भी टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मुझे किसी गैस का वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना है, तो उसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। उसका डेरिवेशन कैसे क्या है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, वो हमारे सिलेबस में, हाँ ये फॉर्मूला जो है इसको ध्यान रखें, और इसका मीनिंग क्या है वो भी हम, ठीक है, फिजिकल मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसको हम समझे। यानी तो यहाँ पे जो रिलेशन है, ठीक है, यहाँ पे जो रिलेशन है ठीक है, तो रिलेशन ये है वी टी इज इक्वल्स टू वी जीरो 1 प्लस टी अपॉन 273, ठीक है, ये एक रिलेशन है, जो एक फॉर्मूला बोल सकते हो, ये फॉर्मूला या रिलेशन है, ये हमें बताता है किसी भी टी टेम्परेचर पे किसी गैस का वॉल्यूम क्या होगा, यानी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वी टी है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस एट टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में नहीं है, बस इतना ध्यान रखें। दूसरा वी ओ, ठीक है, वी ओ जो ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और जो टी है, टी किसके अंदर होगा, डिग्री सेल्सियस में होगा, ये जो टी लिखा है ये किसके अंदर है, डिग्री सेल्सियस के अंदर है। और इसमें जो 1/20, ये 273 जो आपको दिख रहा है, 1/ ये मतलब टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/273 इंटू टी, तो ऐसे वही तो लिखा है, टी अपॉन 1/273, तो इसको इस तरीके से लिख दिया 1/ जो 273, ये जो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है 1/273, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ वॉल्यूम भी इसको कहा जाता है। नहीं, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं लेता हूँ, उससे हम इसके सिग्निफिकेंस को समझेंगे। इसको एक बार कॉपी कर ले पहले आप, ठीक है, तो चलो यही लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन है इसमें, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर वी टी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये जो वी टी की वैल्यू है वो किस टेम्परेचर पे जीरो होगी, इसका मतलब क्या है, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में बड़ा छोटा सा है, लेकिन बहुत ही, ठीक है,
इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो जाएगा। क्या कभी वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो सकता है, और वो भी टेम्परेचर कम या ज्यादा करने से? तो ये पूछ रहा है किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो जाए, ठीक है, वो हमें पता करना है। नहीं, ठीक है, तो क्या करें, ये मेरे पास फॉर्मूला रखा है। मतलब ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है, वो जीरो हो जाना चाहिए। मतलब वी टी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? जीरो, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं, जो मेरे पास फॉर्मूला लिखा है, वी टी इज इक्वल्स टू वी ओ प्लस टी अपॉन 273। तो वी टी की, अब मुझे पता क्या करना है, एक्चुअल में पता क्या करना है, यहाँ पे टी पता करना है कि किस टेम्परेचर पे ये वी टी की वैल्यू, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो टी की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पे वी टी इसने बोला है क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिंपली जीरो, वी ओ 1 प्लस टी अपॉन 273। वी नॉट को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जीरो अपॉन कोई वैल्यू रखोगे तो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, जीरो इक्वल्स टू 1 प्लस टी अपॉन 273, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू टी अपॉन 273। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, -273, और कितना डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मैंने बताया था टेम्परेचर किस में है, डिग्री सेल्सियस में। तो -273 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूँ ये टेम्परेचर जो स्मॉल टी को, जो स्मॉल टी होता है ना, ठीक है, फिजिक्स में जनरली कई बार टाइम के लिए भी रिप्रेजेंट करते, फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, स्मॉल टी को, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक इस चैप्टर में स्मॉल टी को तो हम किस में टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने कैपिटल टी की बात करी, अगर मैंने कैपिटल टी की बात करी तो ये क्या होता है, टेम्परेचर इन कैलविन, ठीक है, स्मॉल टी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, कैपिटल टी टेम्परेचर इन कैलविन, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, टी इक्वल्स टू टी प्लस 273, यही होता है रिलेशन। अगर मेरे को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो मेरे को उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 273। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ रख दूं, एक्चुअल मेरे को अगर केल्विन में पता करना होता तो क्या करता है, -273 +273, दैट मीन्स टी की वैल्यू क्या इतनी आती है, 0 केल्विन, ठीक है, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहलाता है। जो जीरो केल्विन है ना, वो जो हमने डेफिनेशन में लिख लिया था एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मैंने क्या बोला था, वो जनरली किसके लिए, केल्विन के लिए यूज होता है। तो ये जो जीरो केल्विन है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहलाता है। नहीं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है, वहां जगह नहीं तो यहां लिख रहा हूं मैं, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दैट इज टी इक्वल्स टू 0 केल्विन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज जीरो। मतलब हम टेम्परेचर, जनरली हम जो टेम्परेचर से आइस जो जमा होती है कहाँ, 0 डिग्री है उससे बिलो, तो -10, -40, -50, -70, -80 तक हमारे नेचर में, ठीक है, अंटार्कटिका साइड जाते तो मिल जाता है। नहीं, -100, फिर -150, -200, -273 डिग्री सेल्सियस, समझ सकते हो कितना कम टेम्परेचर होगा। लेबोरेटरी में भी इसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, ठीक है, तो ये बहुत लो टेम्परेचर, और हम इसको जो टी इक्वल्स टू 0 केल्विन क्या बोल सकते हैं हम, ये बहुत ही एक तरीके से मिनिमम वैल्यू है, ये टेम्परेचर की सबसे मिनिमम वैल्यू, इससे बिलो और जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था, और इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड था जो मैंने आपको बताया। नहीं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो, ठीक है, टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो एंड इट इज लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स और देखते हैं इस पे। ठीक है, चार्ल्स लो पे और कुछ न्यूमेरिकल हम जो देखें,
ठीक है। तो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताए थे न्यूमेरिकल्स इसके कैसे करने होते हैं, तो एक आइडिया लग गया होगा। तो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, और पहले खुद से वीडियो को पॉज करें और ट्राई करना न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है, ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट विल बी, व्हाट विल बी परसेंट इंक्रीज, व्हाट विल बी परसेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर, व्हाट विल बी परसेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर इफ 20%, ठीक है, इफ 20% वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी करा था, तो एक बार वीडियो को पॉज करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने बोला कि अगर मैं 20% वॉल्यूम इंक्रीज कर दूं तो टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आएगा। तो हमें पता है चार्ल्स लो में पता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, उल्टा बोल सकता हूँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला था परसेंटेज वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली, ठीक है, मैं इसी तरीके से कराता हूँ। एक्स मान के भी कर सकता हूँ, पहले भी मैं कह चुका हूँ, जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है जिसको मजा आता है बिल्कुल कर सकता है, कोई मना नहीं करूंगा मैं, ना गलत बोलूंगा उसको, वो आपका तरीका है कि इसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस वाली बात है, ठीक है, क्योंकि मैं नीट और जेई दोनों के अकॉर्डिंग बताता हूँ, तो नीट वालों को थोड़ा इजी लगे और टाइम भी बचे, ठीक है, दोनों चीज़। और क्वेश्चन सबसे पहले सही होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन को मैं 100 के फॉर्म में लेता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ, मेरे पास वॉल्यूम 20% इंक्रीज कर दिया, नहीं तो मैं मान रहा हूँ कि 20% इंक्रीज कर दिया, तो मैं इनिशियली मान लेता हूँ परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो उसमें से 20 उसको 20 और बढ़ा दिया, तो मैं मान लेता हूँ इनिशियल जो वॉल्यूम है उसको मैंने माना V1 और उसको मैंने मान लिया 100, ठीक है, यूनिट कुछ भी ले लेना फर्क नहीं पड़ता है, 100 लीटर लो मिलीलीटर लो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, V1 था, तो या फिर इसको अज्यूम ही कर लेना, लेट करके लिख लेना, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेट इनिशियल वॉल्यूम इज 100 लीटर लो या मिलीलीटर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट इनिशियल वॉल्यूम इज 100 लीटर एंड इनिशियल, ठीक है, टेम्परेचर इज 100, ठीक है, कैल्विन ही ले लेते इसको, दैट इज V1 की वैल्यू आ जाएगी 100 एंड T1 की भी वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है, केल्विन और यहाँ पे लीटर ले लेते हैं। अब वॉल्यूम उसने बढ़ा दिया 20%, ठीक है, तो वॉल्यूम जो इंक्रीज्ड हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज किसका होगा, 20% ऑफ इनिशियल वॉल्यूम दैट इज V1 विच इज इक्वल्स टू 20/100 × 100, तो कितना हो जाएगा 20 लीटर। तो ये जो V2 होगा वो क्या है, V1 जो था और उसमें कितना इंक्रीज हुआ, तो V इंक्रीज लिख दे विच इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू 100 + 20, तो ये हो जाएगा 120 लीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है T2, तो मैं क्या लगा दूँ, अकॉर्डिंग टू
चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ यूज कर ले। तो कौन सा लॉ यूज करोगे कब, ठीक है, अभी तो अलग अलग पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल न्यूमेरिकल रखे तो कोई दिक्कत नहीं। तो कॉम बॉयल्स लॉ कब लगाएंगे, चार्ल्स लॉ कब लगाएंगे, केएलओसेक्स लॉ कब लगाएंगे, तो वो आइडिया लग जाएगा किसके बीच में। अब ये रिलेशन किसके बीच में पूछा, टेम्परेचर और किसके बीच में, वॉल्यूम के बीच में। तो ये तुम्हें याद रखना होना चाहिए स्टेटमेंट के, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन कौन सा लॉ बताता है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कौन सा लॉ बताता है, इस तरीके से। तो यहाँ चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वी वन इज इक्वल टू टी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू टी टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टी टू ही तो फाइंड करना था, कितना इंक्रीज हुआ है, नहीं ठीक है, परसेंट इंक्रीज पूछा है, लेकिन टी टू मुझे पता नहीं, तो टी टू पता लगे तभी मैं बता सकता हूँ। तो वी वन की वैल्यू 100, टी वन की वैल्यू भी 100, वी टू अभी कैलकुलेट कर रहा है हमने कितना 120, तो टी टू कितना होगा, टी टू भी ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा 120 केल्विन। अब कितना, पहले टेम्परेचर था 100, अब कितना हो गया 120, तो कितना इंक्रीज हुआ 20 केल्विन। तो टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ, ठीक है, टेम्परेचर टी इंक्रीज क्या होगा, टी टू माइनस टी वन विच इज इक्वल टू 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20 केल्विन। अब मुझे परसेंटेज निकालनी इसकी, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो मैंने फॉर्मूला लिखाया था परसेंटेज के लिए, परसेंट चेंज, ठीक है, चेंज कितना आया, तो वो आया 20, कितना इंक्रीज हुआ 20, इनिशियल कितना था 100, और परसेंटेज के लिए मैं क्या लगा दूँ वापस 100, ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखा चुका हूँ, परसेंटेज चेंज के लिए जो भी चेंज आता है ऊपर लिखो, इनिशियल नीचे लिखो, इनटू 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 20%। और सीधी सी बात है लॉ, ठीक है, कुछ लोगों तो वैसे डायरेक्टली बिना सॉल्व करके ही, ठीक है, इतना मैंने लंबा चौड़ाई सॉल्यूशन दिखाया इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, वैसे ही बता देंगे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, यही तो लॉ कह रहा है। तो अगर 20% वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी कितना बढ़ रहा है, 20% ही बढ़ रहा है, जो मैंने मैथमेटिकल सॉल्व करके बताया, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में इतना 2-3 मिनट वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, अगर इतना सिंपल क्वेश्चन आता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मुझे पता ही है, ठीक है, वॉल्यूम 20% बढ़ा रहे तो टेम्परेचर भी कितना बढ़ेगा, 20% ही बढ़ेगा, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो डायरेक्ट आंसर आप दे सकते थे। हाँ, अगर वो पूछता कि वो टेम्परेचर बता दो या वो एग्जैक्ट वैल्यू बता दो, तो उसके लिए कुछ वैल्यू दे रखी होती तब कैलकुलेशन थोड़ी होती, अदरवाइज ये आप डायरेक्ट बता सकते थे। तो एक बार इसको कॉपी कर ले वीडियो को, सॉरी, ठीक है, ये कॉपी कर ले इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके, और फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ जिसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट टी डिग्री सेल्सियस इज 20 लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट टी डिग्री सेल्सियस इज 20 लीटर। फिर आगे लिख रखा है, वैन टेम्परेचर, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हमने, वैन टेम्परेचर ऑफ गैस, वैन टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय 50 डिग्री सेल्सियस, वैन टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय 50 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर देन वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय
देन वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 25%, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन पूछा है, देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टी, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, कौन सा टी, ये टी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें और एक बार इसको, इस न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। यानी ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में लेंदी है और हो सकता है थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो रही हो, लेकिन सिंपल सा लॉ के अकॉर्डिंग सोचे उसको, और क्या दे रखा है, क्या वैल्यू पूछी है, उसको ऑब्जर्व करें बस। तो देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट टी डिग्री सेल्सियस इज 20 डिग्री, 20 लीटर, किसी टी टेम्परेचर पे, मैंने मान लिया इनिशियल टेम्परेचर ये T1, उसका वॉल्यूम क्या दे दिया मुझे, V1 20 लीटर, एज सिंपल। फिर व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय 50 डिग्री सेल्सियस, जो भी टी टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर है, उसमें मैंने 50 डिग्री बढ़ा दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास पहले 20 डिग्री था तो उसको 50 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। इस तरीके तो 50 डिग्री मैंने बढ़ाया, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर दे दिया, तो मुझे कॉन्स्टेंट प्रेशर बोलते हैं, पता लग गया कौन सा है, चार्ल्स लॉ। देन वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 25%, 50 डिग्री प्रेशर, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे जो वॉल्यूम था 20 लीटर जो था उसका 25% बढ़ गया, तो 25% और 20 लीटर निकाल लो आप, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 1/4 करोगे तो 5 लीटर हो जाएगा, नहीं मतलब, ठीक है। वैसे बिना थोड़ा सा अगर आप सोचोगे, ठीक है, तो बिना कैलकुलेशन के ही, ठीक है, वर्बली भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे ग्रो हो जाएगी आप में भी, बस थोड़ा सा जो इनिशियल बेसिक से चीज़ें उनको पकड़ के रखें, यानी ठीक है, जैसे लॉस कौन से है, ठीक है, उनके बीच में रिलेशंस क्या है, ग्राफ क्या है, बाकी तो न्यूमेरिकल छोटे मोटे वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो उस समय हमें पता लगाना है एक्चुअली टी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखें इसमें, ठीक है, तो आई थिंक कई लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, अब मैं बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, एक बार देख लिया। देखो इनिशियल जो टेम्परेचर है, ठीक है, इनिशियल जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को, क्योंकि मैंने बोला टेम्परेचर को हमेशा, ठीक है, किसके अंदर लेना है, केल्विन के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा T1 टेम्परेचर है, ठीक है, उसको, क्योंकि हमें नहीं पता ये डिग्री सेल्सियस में दे रखा, तो टी तो लिख रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल ये 10 डिग्री हो, ठीक है, जैसे 20 डिग्री मैंने बोला, तो 20 डिग्री है, उसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, 20 प्लस 273, तो वही लिख रहा हूं मैं, टी डिग्री सेल्सियस में प्लस 273, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, केल्विन में। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेकर चलना है न्यूमेरिकल के अंदर। इनिशियल जो वॉल्यूम है वो कितना दे दिया मुझे, 20 लीटर। अब T2 कितना हो जाएगा, T2 मतलब इसमें मैंने 50 डिग्री बढ़ा दिया, मतलब T प्लस 50, ये हो गया मेरा स्मॉल T2, ठीक है, स्मॉल T2 मतलब ये T1 था, ठीक है, तो इसमें अब मैंने 50 डिग्री और बढ़ा दिया, तो ये मेरा स्मॉल T2 मतलब ये फाइनल टेम्परेचर हो गया। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना, तो वापस 273, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब मैं वो एक एक स्टेप को बहुत छोटा छोटा नहीं कर रहा हूँ, चाहता तो पहले T1 लिखता, स्मॉल, फिर T2 लिखता, इस तरीके से, ठीक है। तो फाइनल जो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, तो T2 जो होगा, या फिर, ठीक है, T2 वो क्या हो जाएगा, T प्लस 323, ठीक है, इसमें 50 ऐड कर देना है तो 323। अब बात करूँ मैं किसकी, V2 की। V2 क्या हुआ, इंक्रीजेस बाय 25%, मतलब V2 के अंदर V1 तो था ही, और उसमें कितना बढ़ गया, ये 25% ऑफ V1, ये मतलब हुआ ना कि उसमें इतना बढ़ गया, तो V1 तो था ही उतना 20 लीटर, उस फिर उसमें 25% और बढ़ गया किसका, V1 का, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया, चाहते तो मैं जैसे पिछला न्यूमेरिकल करा V इंक्रीज करके अलग अलग करके भी कर सकते हो, मैंने इस एक लाइन में लिख दिया ये। तो यहाँ पे
V2 कितना हो जाएगा, V1 मुझे कितना दे रखा है 20 प्लस V2 कितना हो जाएगा 25%, मतलब 25/100 ऑफ 20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 1/4 और 20/4 मतलब 5, तो V2 कितना हो जाएगा 20 प्लस 5, 25 लीटर। सारी वैल्यू आ गई, बस आप कैलकुलेट कर लो अकॉर्डिंग टू 4 लॉ। ठीक है, तो 4 लॉ क्या कहता है, V1/T1। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं V1 को ऊपर लिखो, T को भी लिख सकते हो, T1/V1 भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, रेशियो तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो T1/V1 या T2/V2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इनकी वैल्यू रख दे, V1 की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी, V1 हमें दे रखा है 20, T प्लस 273, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। फिर V2 कितना आ गया 25, और ये कितना आ जाएगा T प्लस 323। सिंपल सा मैंने वैल्यू पुट करी है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो 4/T प्लस 273, 5/T प्लस 323। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले इसको बस, तो 4 × T प्लस 323 इज इक्वल्स टू 5 × T प्लस 273। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर ले बस अब, तो 40। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, तो t की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, स्मॉल t की जो वैल्यू आएगी वो −73°C आएगी। ठीक है, 4 × T 40 आ जाएगा, फिर 4 × 323 इज इक्वल्स टू 5t प्लस ये, तो 40 को 5t में से माइनस कर देना, इधर ले आना, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर आएगा −73°C आ रहा है। अगर यही, अगर ऑप्शन में हमें केल्विन में दे रखा होता ये, अगर ये तो अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप हो गया, अगर हमें ऑब्जेक्टिव में अगर ये केल्विन में दे रखा होता तो मैं इस टी को क्या करता, क्या करता है, इस टी को, ठीक है, इस टी को कहाँ रख देते हैं हम, यहाँ पर रख देते। ठीक है, इस टी को हम यहाँ पर रख देते, तो यहाँ पर −73 से 273 मतलब 200 केल्विन आ जाते हैं। तो वो ऑप्शन देख के आपको उस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक बार इसका स्टेटमेंट, ग्राफ और कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने बताया, और एक वॉल्यूम वाला जो रिलेशन है, ठीक है, इसको ध्यान रखें और एक बार इसको ध्यान से देख लें।